कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन की शुरुआत हो गई है तैयारियां, आप भी हो जाइए तैयार। इस बार आप केबीसी ऑफिशियल ऐप और केबीसी वेबसाइट से भी भाग ले सकते हैं। जवाब देने के लिए आप फ्री केबीसी ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अपना मोबाइल नंबर, जवाब, उम्र और जेंडर चुनकर भेज दीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए एसएमएस कीजिए केबीसी ऐप 2525252525 पर, या आप www.kbcsony.com से भी रजिस्टर कर सकते हैं। एक गुड मॉर्निंग मामा। दिया की दवाइयाँ थोड़ी चेंज हुई हैं। ये रेड वाली सुबह देनी है और ये येलो वाली रात को। ये लीजिए। मैं आपसे दवाइयों के रंगों की बात कर रही हूँ और ये भूल ही गई कि अब आप पढ़ सकती हैं। तो ये है दवाइयाँ और ये है पर्ची। आप अपने आप से समझ के दिया को दवाई दे दीजिएगा। ठीक है, सचमुच पढ़ सकती है मामा। अच्छा लग रहा है। मुझे भी। अच्छा मामा, डैड रूम में है ना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है उनसे। नहीं लतिका, देखो कोई भी चीज इतनी जरूरी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते उन्हें हर परेशानी से दूर रखना है, और डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने से भी एकदम मना किया है। आई अंडरस्टैंड मामा, लेकिन ये बहुत अर्जेंट है। सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं नहीं लतिका, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे काम से ज्यादा जरूरत उनकी सेहत है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते कोई भी उनसे काम की बात नहीं करेगा। कूल मॉम, आप गुस्से में इतना हॉट क्यों हो रही हैं? करण, अब तू मजाक मत कर। डॉक्टर ने तेरे पापा को किसी भी परेशानी से दूर रहने को कहा है। अब तुम दोनों उनकी परेशानी मत बनो। जब तक तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते कोई भी उनके सामने काम की कोई बात नहीं करेगा। मामा ये बहुत अर्जेंट काम है। इतना अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं जिद नहीं करती। सिर्फ 2 मिनट की बात है, मैं अभी आती हूँ। लतिका, तू भी जिद कर रही है? मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। वाओ, क्या गुस्सा है। कूल मॉम, आपने अब तक इस गुस्से वाली मॉम को कहाँ छुपा के रखा था? मॉम आप ना ऑफिस आ जाइए और लट्टू जी को ऐसे मुझसे दूर कीजिए धक्का देकर। करण, करण तुम दोनों भाई बहन को एक दूसरे को जितने धक्के देने हैं दो। मैं तुम दोनों से दूर जाने वाली हूँ। मुझे किचन जाना है, बहुत सारा काम है मुझे। चलो दिया आओ मेरे साथ। दी, आज डैड की 3 मीटिंग्स हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में डैड जा नहीं पाएंगे। तो पहली 2 मीटिंग तुम संभालो और तीसरी मैं संभाल लूंगा। करण, मैं तीनों मीटिंग्स हैंडल कर सकती हूँ। दी, तुम 3rd मीटिंग को 2nd के साथ क्लैश कर रही हो। सेकेंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट NRI अकाउंट, वो इंपॉर्टेंट है, तुम उसे हैंडल करो। थर्ड वाली मैं संभाल लूंगा, उसमें लोकल वेंडर्स हैं, आई हैंडल दैट। इंपॉर्टेंट तीनों मीटिंग्स है करण, और तीनों मैं ही हैंडल करूंगी। एनीवे, आई विश डैड की तबीयत ठीक होती और वो मेरे साथ मीटिंग्स में जाते। एनीवे, आई विल सी यू। लीजिए ये पीजिए। ये क्या? काढ़ा? नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा पी ले, घरेलू नुस्खा है, इसे पीते ही तू दौड़ने लगेगा। हाँ, मुझे तो इसे देखते ही भागने का मन कर रहा है। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है, चल पी ले जल्दी से। लीजिए ना, मैं अभी आई। शारदा, ये क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं है अभी। आपका मोबाइल कहाँ है? तुम्हें मेरे फोन का क्या करना है? किसी को कॉल करना है क्या? नहीं, मुझे कॉल नहीं करना है, उसे बंद करके रखना है। डॉक्टर ने कहा था ना कि आपको सब परेशानियों से दूर रखना है, तो ये आपका जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ी परेशानी है आपके लिए। दीजिए, इसे बंद करना है। नहीं, उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ मैं अपने ऑफिस का काम भी कर सकता हूँ। ये लो रखो। और अब आप ये काढ़ा खत्म करिए, तब तक मैं दिया को दवाई देके आती हूँ।
उसके स्कूल जाने का समय भी हो रहा है। मैं भी आई। नमस्ते साहब। नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादी जी। माँ जी कहाँ है? अंदर गई है कुछ काम। दादी ये हिसाब। मैं तुझे कोई मुनीम लगती हूँ? मुझे नहीं आता ये हिसाब विसाब देखना। ले बेटा तू ही देख ले। 1300 हुए हैं माँ। दीजिए मुझे देखने दीजिए। राम प्रसाद 1300 नहीं 800 बनते हैं। देखो तुम्हारे हिसाब में गलती है। देखो ये नीला सूट ये तुमने दो बार लगाया है और दो बेड कवर। इस हफ्ते तो हमने कोई बेड कवर दिया ही नहीं। लगता है तुमसे गलती हो गई है। लो हिसाब ठीक करके ला। मैं दोबारा सिर्फ हिसाब करके लेकर आता हूँ। ठीक है शारदा। तुम भी ना, इतने पैसे हैं हमारे पास, अगर उस धोबी को तुम 500 रुपए एक्स्ट्रा दे देती तो क्या चला जाता हमारा? क्यों देती ज्यादा? और वैसे भी आप दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके पैसे कमाते हैं, तो मैं किसी को ऐसे ही क्यों दे दूं? और वैसे अगर गलत हिसाब से मैं उसे पैसे दे देती तो उसे गलत आदमी पड़ जाती ना। क्या कहूं मैं तुमसे? कुछ भी मत कहिए, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग पापा। अब आपकी तबीयत कैसी है? गुड मॉर्निंग बेटा। मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग नानी। नानी जल्दी चलो, अगर मैं स्कूल लेट पहुंची ना तो मैम मुझे ना क्लास के बाहर खड़ा कर देगी। चलो एक मिनट मैं अपना बैग ले लूं। साक्षी मुझे कुछ सामान भी लाना है, शायद मुझे थोड़ी देर हो जाए। तुम तब तक दाल चढ़ा देना, मैं आंखें तड़का दे दूंगी। ठीक है। और सुनो अपने पापा का ख्याल रखना, सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना कि अपने फोन को हाथ भी ना लगाए। जी माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पापा को कोई काम नहीं करने दूंगी। क्यों पापा? अच्छा मैं दिया को छोड़ के आऊं? आओ दिया। पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ ताकि माँ आके तड़का लगा पाए। अरे इसका तो रबर निकला हुआ है। ये रबर तो जा ही नहीं रहा। कावेरी कावेरी दादी बारे दादी से पूछ रहे। दादी दादी इस प्रेशर कुकर के ढक्कन पे ये रबर मुझसे लग ही नहीं रहा, और फिर ये ढक्कन उस कुकर के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, रबर को कुकर में लगाकर सिर्फ बंद ही तो करना है। लाओ मैं कर देता हूँ। पापा आपको आता है? मेरी वजह से मेरे 4 राइवल्स के 8 शोरूम्स बंद हो चुके हैं, तो क्या एक प्रेशर कुकर बंद नहीं हो सकता? छोड़े पापा, माँ के आने तक मैं रुक जाती हूँ। इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारी माँ कर सकती है और मैं नहीं कर सकता? And it is just a pressure cooker. ये गृहस्थी चलाना, खाना पकाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। Give it to me. I'll do it. ठीक है पापा। ये देखो बहुत सिंपल है, इस रबर को खींच के इस पे लगा दे। हो गया। अब जा कुकर भी ले आ और उसे भी बंद करवा ले, नहीं तो फिर मेरे पास आएगी। हाँ दादी। ये अंदर फिट कैसे होता मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सिंपल है बेटा, ऐसे। बेटा कभी प्रेशर कुकर को मजाक में मत लेना, इसका ढक्कन बहुत अच्छे से बंद होना चाहिए वरना ये ब्लास्ट भी हो सकता है। जी पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप आराम कीजिए, मैं जाके खाना बनाती हूँ। देखा हो गया ना।
थैंक यू पापा। सीटी क्यों नहीं बज रही? लग रहा है थोड़ा टाइम। चने में अखा धनिया डालते हैं। अखा धनिया कहाँ रखा है? वहां रखा हो। रुखसार, नहीं नहीं आज मैं नहीं आऊंगी क्लास के लिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को तुझे फोन करके पूछ लूंगी कि सर ने क्या होमवर्क किया है, ठीक है? अच्छा क्या हुआ? हे भगवान, कुकर तो फटने वाला है। ठीक से नहीं लगा था, मुझे लगता फटने वाला था। साक्षी तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। अगर तुझे कुकर का ढक्कन ठीक से लगाना नहीं आता था तो मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी। देख, मैंने बहुत जोर से डांट दिया। मेरी सबसे प्यारी चीज को अगर खतरे में डालेगी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी क्या? सबसे प्यारी चीज तुम। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तू जानती है ना कुकर की वजह से क्या क्या हो सकता है। अम्मा, I'm sorry. साक्षी, आगे से ध्यान रखना। ठीक, हम हर काम कर सकते हैं लेकिन सीखने के बाद वरना छोटे से छोटा काम भी जानलेवा बन सकता है। आज सच में, आज अगर आप नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं कैसे ना आती? मैं माँ हूं तुम्हारी और माँ का धर्म है अपने बच्चे को हर खतरे से बचा कर रखना। लेकिन बेटा आगे से बहुत ध्यान रखना। हाँ वादा करो। मामा, थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम मुझे कोई काम करने का दे रही हो? तो सोचा जैसे खेल लूं, बहुत बोर हो रहा हूँ। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? तो अपना दिमाग ही तो चला रहा हूँ, खुद तो नहीं चल रहा, जो थक जाऊंगा। मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे सर, आप नमस्ते। नमस्ते शारदा जी, वो आप क्लासेस में नहीं आ रही हैं तो बाकी स्टूडेंट से पूछने पर पता चला कि मिस्टर मोदी की तबीयत खराब है, उनसे मिलने चले आया मैं। आप कैसे हैं? वो पहले से बेहतर हैं पर
डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। आप आइए ना अंदर। जी थैंक यू। देखिए ना आपको कौन मिलने आया है। आइए ना। तो मिस्टर मोदी अब कैसी तबीयत है आपकी? जब आप जैसे वेल विशर मुझे मिलने आएंगे तो मेरी तबीयत पहले जैसी कैसे रह सकती है? आपको देखते ही मेरी सेहत एकदम सही हो रही है। अच्छी बात। सर आप बैठिए ना। थैंक यू। मैं चाय लेकर आती हूँ। जी तो आप शतरंज खेलते हैं? जी कुछ चालें सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने किले को मजबूत बनाना चाहता हूं, नहीं तो कभी कभी मामूली मोहरे भी बिना बुलाए चले आते हैं। लेकिन मिस्टर मोदी आप अपने किले को मजबूत करने के चक्कर में अपनी रानी को तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। That's not good. आखिर पूरी बसात तो रानी पर ही टिकी हुई है ना। बेचारा राजा तो चल फिर भी नहीं सकता। एक घर की तो चाल होती है बेचारे राजा की। वैसे मिस्टर मोदी यहां सिर्फ 3 चाल होंगे, आपकी मात हो सकती है। और रियली आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? जी आजमाना चाहेंगे। ओशो राइट। थैंक यू। ये पहली चाय मेरी। दूसरी चाय आपकी। और ये तीसरी चाल। छह। बेचारी रानी। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, इसीलिए मान। वेल प्लेड। थैंक यू। बाय द वे मुझे ये चाल पता थी। मैं तो अपनी काउंटर चाल के बारे में सोच रहा था। और मैंने अभी अपनी चाल चली कहाँ? ऑफ कोर्स प्लीज अलाउ मी। प्लीज प्ले। इस बार मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी। थैंक यू शारदा जी। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़ी। आप लीजिए। क्या बात है। वाह चाय तो बहुत अच्छी है। और एक बहुत अच्छी खबर भी है जो आपको सुनानी है। क्या खबर? अरे आप बैठिए ना प्लीज। तो अच्छी खबर ये है कि एनुअल इंटरनेशनल एडल्ट लिटरेसी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें दुनिया भर से बड़ी उम्र में पढ़ाई शुरू करने वाले सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स आएंगे और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करेंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट्स इसके लिए सिलेक्ट होंगे उन्हें दूसरे देशों के स्टूडेंट से मिलने का, उन्हें जानने समझने का मौका मिलेगा, अनेक ट्रेडिशंस और कल्चर्स को देखने का मौका मिलेगा। ये वाकई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे स्कूल से इसके लिए किसे चुना गया? किसे सर? आप बिल्कुल सही समझ गई हैं साक्षी। हमारे स्कूल से
मिसेस शारदा मोदी को चुना गया है। क्या मुझे? जी हाँ, आपको। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं कैसे? आप कर लेंगी। लेकिन इसके लिए तो बहुत तैयारी करनी होगी ना? समय तो लगेगा मिसेस मोदी, आप आखिर अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगी, तो आपके देश के बारे में, यहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ आपके देश से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, ताकि जब आप वहां बाहर जाए और कोई भी आपसे किसी किस्म का सवाल करे तो आप पूरे गर्व से ये कह सके कि आप एक हिंदुस्तानी हैं। बाहर? अब बाहर कहां सर? लंदन। लंदन? जी हाँ, ये कॉन्फ्रेंस लंदन में होगी और आपको भी लंदन जाना होगा।